हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? थैंक्स सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू एवरीवन। बेटा, इन थैंक यू आवर सर, लास्ट वेलकम। मैथ सेशन वी स्टडीड दैट कि हाउ टू राइट एनी नंबर इन द एक्सपैंडेड फॉर्म एज वेल एज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म में और एक्सपैंडेड फॉर्म में, दोनों तरह से नंबर्स को लिखना सीखा था। इन दोनों के साथ साथ में वर्ड फॉर्म में भी लिखना सीखा था। सभी को ध्यान है या भूल गए हैं? सर ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है। इसी पे बेस्ड आपको होमवर्क भी दिया गया था, एक्सरसाइज 2C से। बेस्ड ऑन दैट टॉपिक इट वाज गिवन एज ए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको समझाया भी गया था, 4 कैसे करना है नोटबुक में ये भी बताया गया था। So let me know that how many students have completed this exercise. Show me your hand. By showing your hands, let me know that how many students have completed this exercise. I want to look that how many students have completed. Okay. Amit Barma ने complete किया है, Hendrich किया है, Amit Barma ने, Akarsh ने भी किया है, Adarsh Gupta ने भी किया है. What about other students? Devesh Tiwari, Devan Sharma, Adarsh Yadav, Adarsh Pratap Singh ने भी किया है. चलो good. आदर्श वर्मा आपने नहीं किया क्या बेटा? देवान शर्मा किधर देख रहे हैं? देवान शर्मा आगे पीछे देख रहे हैं? अभी मैं आपको क्लास से बाहर करूंगा, ये ऐसे थोड़े पढ़ाई की जाती है। आदर्श वर्मा ने भी किया है, आनंद कुमार ने भी किया है। चलो ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस तो फिलहाल हम लोगों ने पिछले क्लास में एक एक करके सॉल्व भी किए थे, आप लोगों से पूछा था। फिर भी किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना कर पाया हो तो मुझसे पूछिए, मैं तुरंत फिर से आज बता दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी बेटा इस एक्सरसाइज में? नो सर, नो सर। इसके बाद वाला टॉपिक, यस सर, इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग शुरू करें? Yes, sir. सभी बच्चों की आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. All the ways. Okay. बेटा, next topic is the number on the abacus. Number on the abacus. But before abacus. अभी abacus पे किसी भी नंबर को कैसे भी कैसे शो करेंगे, या किसी भी नंबर को अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स अगर आपको ड्रॉ करना हो abacus पे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, we will be learning all those things in this session. तो इसको पढ़ाने के लिए मैं करता क्या हूं, एक सबसे पहले आप सभी को समझाता हूं। लेट मी ड्रॉ एन अबेकस, क्योंकि जब ड्रॉ करूंगा देन इट वुड बी इजी। लेट से कि अबेकस का कोई बेस है और इसमें ये नंबर ऑफ स्पाइक्स आप बना रहे हैं। नंबर ऑफ स्पाइक्स क्या? जिसमें आप बीट्स डालते हैं, छड़ी जो होती है ना उसे बोलते हैं स्पाइक, और इस स्पाइक्स में आप बीट्स डालेंगे। एक स्पाइक्स है तो पहली स्पाइक्स कौन से प्लेस होगी? कैसे आवाज आ रही है? पहली स्पाइक्स किसके लिए होती है? आनंद कुमार अपना माइक बंद कर रहे हैं। आनंद कुमार बेटा आप यहां से आवाज नहीं आनी चाहिए। सो बेटा अबेकस पे जो पहला स्पाइक्स होता है वो होता है वंस प्लेस के लिए। किसके लिए होता है? इसमें अगर कोई बीट्स शो किया जा सकता है तो वो सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट को शो करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसके लिए 2 स्पाइक्स होने चाहिए। 2 डिजिट के नंबर के लिए कितने स्पाइक्स होने चाहिए? 2, क्योंकि पहली डिजिट तो आप इसमें शो करेंगे, दूसरी डिजिट आप इसमें शो करेंगे। 2 डिजिट नंबर यही तो है। 10 से लेकर के कहां तक रहता है 2 डिजिट नंबर? What is the max? 99. That means from to show the numbers from 10 to 99, we need an abacus having 2 spikes at least. 2 digit वाले नंबर को शो करने के लिए हमें 2 spikes वाला abacus भी चाहिए। 2 से कम ना हो, ज्यादा भले हो, 2 से कम spikes वाला अगर abacus होगा तब आप 2 digit नंबर नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि तो जितने स्पाइक्स होंगे उतने ही 2 डिजिट यहाँ पे शो करेंगे। अब इसमें मान लीजिए, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 45 लिखा, आप 45 को अगर इस अबेकस पे ड्रॉ करना है
तो मान लीजिए ये पहला प्लेस आपका वंस है, दूसरा प्लेस टेंस है, उसी तरह ये पहला स्पाइक आपका वंस का, वंस प्लेस का स्पाइक है एंड द सेकंड स्पाइक इज फॉर द टेंस प्लेस. सेकंड स्पाइक इज फॉर द टेंस प्लेस. अब वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट आर देयर, व्हाट इज देयर इन द वंस प्लेस, फाइव. तो यानी वंस वाले प्लेस में हमें कितने नंबर ऑफ बीट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जितना डिजिट है. सर वन, वन, फाइव, थ्री, फाइव, फाइव, फाइव बीट्स आर देयर. ये वंस प्लेस को देखो रेफर कर रहा है, ये फाइव वंस पे फाइव है, वंस पे वन टू थ्री फोर फाइव बीट्स थे. ओके नाउ फॉर द टेंथ प्लेस हाउ मेनी बीट्स शुड आई ड्रॉ, लुक लुक एट द नंबर एंड टेल मी. Four. Three and four. That means, अभी ये नंबर क्या शो कर रहा है, ये फोर को शो कर रहा है और ये फाइव को शो कर रहा है, और ये मिल करके क्या हो जाएगा 45. तो यानी अगर कोई नंबर दिया है तो अवेकस अगर ड्रॉ करना है तो क्या आप लोग इसी तरह कर ले जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए मैं पूछूं यार बेकस मैंने ड्रॉ किया है, आई हैव ड्रॉन हमारी किताबिया में तो लिखे को तो लिख लो भाई, हमारी किताबिया में मटकी वाले आनंद हम जाने थे. ये देखो विजय नागला हुए आनंद कुमार, आपके अगल बगल में बच्चे बोल रहे हैं ना, मैं आपको आज क्लास से बाहर कर रहा हूँ, आज मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि आपका माइक भी ऑन रहता है और ये किताबिया उतबिया आप अपने घर पे आराम से कर लो, पहले बातें कर लो, जहाँ पढ़ो वहां पे किसी को रहने मत दिया करो. इस बार अगर आवाज आई तो मैं आपको बाहर करूंगा, अभी ये लास्ट वार्निंग है. तो बेटा आई हैव ड्रॉन एन अवेकस, ये अवेकस ड्रॉ किया गया है. इस अवेकस पे अगर मैं पूछूं ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप में से जिसको भी आता है जरा मुझे बताइए व्हिच नंबर दिस अवेकस इज रिप्रेजेंटिंग, माइक ऑन करके बताइए. फिर से बताइए, आई कुड नॉट गेट, सभी बच्चे बताएं. 56. बेटा आपको 56 इज द करेक्ट आंसर, गुड. फाइव बीट्स आर देयर ऑन द फाइव होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स ऑन द वंस प्लेस, तो ये सिक्स यहाँ पे लिखा जाएगा. ये कौन से नंबर को शो कर रहा है? 56. आप सभी को क्लास के समय अपने अगल बगल में किसी को भी नहीं, किसी भी बच्चे को नहीं, अगल बगल के घर के किसी बैठाना है, बोलेंगे तो मैं आपको भी वार करूंगा उनकी वजह से, क्योंकि क्लास में आप लोग बातचीत करते हैं, आपके अगल में लोग बातचीत करते हैं, तो आपका भी तो नुकसान है. और जो बच्चे माइक ऑन करते हैं जैसे कि आनंद कुमार, स्थिति शुरू हुई, रौनक वीडियो आपने बंद किया है, बातें इतनी हो रही हैं. चलो रौनक को बाहर किया गया. आनंद कुमार आपका भी माइक ऑन है, मुझे आपका माइक ऑन रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए अगल बगल की, या तो बंद कर लीजिए, जब बोलना होगा तब चालू कर लेना फिर बंद कर लेना. तो अवेकस, कोई अवेकस देख करके कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, बता ले जाएंगे अगर मैं अलग अलग अवेकस ड्रॉ करके पूछूं? चलिए ठीक है, एक काम करता हूं, अभी कोई भी नंबर दूं तो क्या अवेकस ड्रॉ भी कर ले जाएंगे, नंबर ऑफ बीट्स ड्रॉ कर ले जाएंगे? यस सर. चलिए मैं देखता हूं. Let's say I want to represent this number. What I have written? Tell me. Sir, 126. सिर्फ एक बार आप सबको बताना है, बार बार नहीं बोलना. एक ही बच्चा दो बार तीन बार बोल रहा है तो इसका मतलब वो जानबूझ करके टोल मस्ती कर रहा है. एक बार आपने बोला सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैं सुन ले रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलना, मैं सबकी आवाज सुन रहा हूँ, कौन कौन बोल रहा है ये भी मुझे पता चल रहा है. तो ये 126 लिखा है. अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जैसे पूछूंगा उसी तरह बताना,
126 को इसी अबेकस पे, जो अबेकस मैंने बनाया है, इसी अबेकस पे कितने लोग ड्रॉ कर ले जाएंगे? हैंड रेज करके बताएं, कितने लोग ड्रॉ कर ले जाएंगे? देखते हैं आकर्ष चौधरी, अभी बोलना नहीं है, अभी अभी मुझे चेक करने दीजिए कितने बच्चे बता रहे हैं कि कर ले जाएंगे। आदर्श बेटा शांत रहो, मुझे पता है तुम पकड़ ले गए। अमित वर्मा, आकर्ष चौधरी, आदर्श वर्मा ने हैंड्रेज किया है। सौरभ सैनी, अभी डाउट है बेटा, क्या कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तीनों वंस टेंस हंड्रेड प्लेस वाले तीनों प्लेसेस के नंबर ऑफ बीट्स बनाने पड़ेंगे, बना पाएंगे? यस सर। आकर्ष चौधरी जरा बताइए कैसे आप बनाओगे, बताइए। इस वाले स्पाइक्स में हाउ मेनी बीट्स शुड आई ड्रॉ? फर्स्ट वाले में वन, तेजी से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, माइक लगा के तेजी से बोलिए। सर पहले वाले में वन, दूसरे वाले में टू, थ्री वाले में थ्री। आपकी आवाज नहीं स्पष्ट हो रही है, आ रही है आज? फिलहाल पहले वाले में वन, दूसरे वाले में टू, थ्री वाले में थ्री। पहला वाला कौन है? इसमें दो ही स्पाइक है, मैंने बोला था इसमें कितने लोग ड्रॉ कर ले जाएंगे, इसमें बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें थ्री प्लेसेस हैं। यहाँ पे देखो, दिस इज ए थ्री नंबर डिजिट, कितने नंबर का डिजिट है? थ्री नंबर, थ्री। जब ये थ्री नंबर का डिजिट है तो इसमें थ्री प्लेसेस भी हैं, एक वंस प्लेस है, एक टेंस प्लेस है, एक हंड्रेड प्लेस है। तो जितने प्लेसेस वाली डिजिट हो उतने प्लेसेस के स्पाइक्स भी तो बनाना पड़ेगा, जितनी नंबर ऑफ जितने डिजिट का नंबर हो उतने ही स्पाइक्स भी तो बनाने पड़ेंगे। ये थ्री डिजिट नंबर है तो यहाँ पे थ्री स्पाइक्स होना चाहिए, तभी तो आप एक में सिक्स बीट्स बनाएंगे, एक में टू बीट्स बनाएंगे, एक में वन बीट्स बनाएंगे। तो अभी तीसरा स्पाइक्स भी बनाते हैं, तीसरा स्पाइक्स भी बनाया हमने और यहाँ पे लिख दिया ये हंड्रेड प्लेस की डिजिट है। तो ऐसे में अब क्या हुआ, वंस टेंस हंड्रेड, इसी तरह ये आपका क्या हुआ, वंस टेंस हंड्रेड। सबसे पहले वंस वाले स्पाइक्स में हाउ मेनी बीट्स शुड आई ड्रॉ? लुक एट दिस, सिक्स, कोई बच्चा ऐसा है, देवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो थ्री बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कभी कभी भी नहीं ध्यान देता है। यहाँ पे वन, ये वंस प्लेस पे सिक्स है तो वंस प्लेस में कितने बीट्स होने चाहिए? वंस वाली सिक्स। इसी तरीके से टेंस प्लेस पे यहाँ पे टू है तो टेंस वाले स्पाइक्स में हाउ मेनी बीट्स शुड आई ड्रॉ? टेल मी, वन टू टू। एंड व्हाट अबाउट हंड्रेड्स स्पाइक्स? इस वाले स्पाइक्स में कितने बीट्स ड्रॉ करें? वंस। अब हम कह सकते हैं ये नंबर ना लिखा हो, मैं बोलूं आप सभी को कि जरा इसको पढ़िए क्या लिखा है, मैं बोलूं ये कितना, ये कौन सा नंबर लिखा है, तो आप बोलेंगे वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू सिक्स, 126। ये वन, ये टू, ये सिक्स, यानी 126 लिखा है। तो अगर नंबर ना लिखा रहे तो भी अबेकस देख करके आप पढ़ ले जाएंगे, पढ़ ले जाएंगे। किसी भी नंबर को कैसे ड्रॉ करना है अबेकस पे ये भी कर ले जाएंगे। अब एक जरूरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक स्पाइक में मैक्सिमम कितने बीट्स बन सकते हैं, एक स्पाइक में मैक्सिमम कितने बीट्स बनाएंगे? नाइन। करेक्ट आंसर, गुड। किसी भी स्पाइक्स में नाइन, किसी भी कोई भी अबेकस हो, किसी भी अबेकस के हर स्पाइक में नाइन बीट से ज्यादा नहीं ड्रॉ किए जा सकते हैं। नाइन से जब हो जाएगा टेन, मान लीजिए अगर आपको टेन ड्रॉ करना है तो
तो आपको क्या करना है, 10 अगर इस पे, अच्छा मान लीजिए 100 हम इस पे बनाना चाहें, या अभी 10 को ही देख लें, आपके पास ये अबेकस है, लेट्स से दिस इज एन अबेकस, वी नीड टू ड्रॉ नंबर 10, तो क्या नंबर 10 इस पे ड्रॉ हो सकता है? नो सर, नो सर, नो सर। बेटा देखो सुनिए, जब आपका 3 डिजिट नंबर था, अभी 4 डिजिट नंबर लिख दूं मैं, ये आपका 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर के लिए 4 स्पाइक्स होने चाहिए, इसका मतलब ये नंबर इस अबेकस पे नहीं रिप्रेजेंट हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप 1 तो यहाँ पे बना दोगे इस वाले में, 3 आप इसमें टेंस में कर देंगे, 2 आप इसमें कर देंगे, 100,000 वाला कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, स्पाइक है नहीं इसलिए नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं बनेगा? 1000 वाला स्पाइक है, इसमें 1000 वाला जो डिजिट है वो कौन से स्पाइक में ड्रॉ करेंगे जब स्पाइक ही नहीं है 1000 वाला, इसलिए ये नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर हम इस नंबर की बात करें नंबर 10, तो क्या नंबर 10 को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे? इसका वंस वाला डिजिट, इनका टेंस वाला डिजिट, क्या नंबर 10 नहीं कर पाएंगे? सर कर लेंगे। तो कहां पे सर कर लेंगे? इसको जरा मुझे बताइए, इसको जरा मुझे बताइए, लेट मी नो दैट की हाउ शुड आई ड्रॉ द बीड्स इन दिस अबेकस? सर जीरो वाले में सर नहीं करेंगे, सर वन वाले में, Now, stop everybody. Stop. Now, tell me that ki, how many beads should I draw in the one spike? Sir, zero. Zero, yani nahi banane hain. Tens spike mein, tens wale spikes mein, how many beads should I draw? Sir, one. Only one. Baki bachche nahi bol rahe hain. Sare bachche ko bolna chahiye na? Sir, one. One. Sir, one. 100 वाले स्पाइक में कितने बीट्स ड्रॉ करें? 1 Another question. 1 What is that? 1 चाहो कब आप लोग बन बन करते जा रहे हैं, तुरंत आंसर देना हो तो दिया करिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी बीट्स शुड आई ड्रॉ इन द 100 स्पाइक, जो 100 प्लेस वाली स्पाइक्स है इसमें कितने बीट्स हम ड्रॉ करें, ये बताइए। एक्चुअली बेटा देर इज नो डिजिट, देर इज नो डिजिट, ये वंस ये टेंथ प्लेस और ये 100 प्लेस पे क्या है, 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है, जीरो में कुछ भी नहीं, यही तो होता है। तो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है तो कोई बीट्स भी नहीं, कोई बीट्स भी नहीं बनेगी। तो अगर तो बोलो कि ये अबेकस, जो ये अबेकस बना है ये कौन से नंबर को शो कर रहा है, तो आप देखिए ये है जीरो, इसमें कोई बीट्स नहीं, टेंस वाले में वन, वंस वाले में जीरो, तो जीरो वन जीरो, ये कितना लिखा है, 10 ही तो है। यस सर, सर। तो ऐसा नहीं है कि नंबर 10 को इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, आपका जितने स्पाइक्स वाला आपका अबेकस है उतने डिजिट तक के नंबर आप वन से लेकर के उतने डिजिट तक के नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर थ्री स्पाइक्स वाला आपका अबेकस है तो 4 डिजिट वाले नंबर को नहीं कर पाएंगे, 3 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कम वाले को कर ले जाएंगे। ओके यस सर, आते हैं आपके बुक्स पे, आपकी बुक्स पे आते हैं। अब बुक्स में आपके क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर शोन बाय द बीट्स ऑन द अबेकस, यहाँ पे आपको लिखा भी गया है, इफ देयर इज नो बीट्स इन द रॉड, इसको रॉड आपकी बुक में रॉड लिखा है, बट स्पाइक्स भी ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं, रॉड भी बोल सकते हैं, रॉड मतलब कोई रॉड हो या छड़ी हो या स्पाइक हो, एक ही चीज है, ठीक है। इफ देयर इज नो बीट्स इन द रॉड ऑफ द अबेकस देन वी पुट डिजिट जीरो इन द करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑन द रॉड, तो उस प्लेस यानी उस स्पाइक से नीचे हम जीरो लिखते हैं। ओके अब एक्सरसाइज 2D की बात करें, एक्सरसाइज 2D की बातें करें, वॉइस नहीं आ रही है वाइस गुप्ता के यहाँ पे, लेट मी फिक्स दिस प्रॉब्लम, लेट मी मैसेज
चलो ठीक है बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे इस एरिया में कई बार कई सारे बच्चे जब क्लास करते हैं तो उनको आवाज नहीं सुनाई पड़ता, ना ही उनकी आवाज हम तक आती है। एक्चुअल में अपना माइक नहीं इनेबल किए रहते हैं, माइक इनेबल के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लिख करके आता है यहाँ पे, तो उस पर क्लिक करना रहता है। चलिए ठीक है, अभी यहां तक जितना भी पढ़ाया गया सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, तो अभी आपके आपके एक्सरसाइज को शुरू करते हैं सॉल्व करना, इसको समझिए। अब मैं बारी बारी से पूछने की बारी आ गई, अब सबसे आप सभी से मैं पूछूंगा। सौरभ सैनी, देवान शर्मा, अमित वर्मा, बीरू एंड मानसी, हेमंत कुमार, आदर्श वर्मा, आयुष गुप्ता के अभी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आदर्श प्रताप सिंह, आनंद कुमार, आदर्श गुप्ता, आर्यन मिश्रा, देवेश तिवारी और भी कई, अभिनव पांडे, आदर्श यादव, आयुष गुप्ता, कई सारे बच्चे जुड़े हैं। जस्ट वेट, हेलो हेलो। सो बेटा, इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज, द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, देखता हूँ कितने बच्चे समझ पाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, राइट द नंबर्स, राइट द नंबर्स, हमें क्या करना है, राइट करना है, क्या राइट करना है, नंबर्स शोन बाय द बीट्स ऑन द अबेकस, जो कि बीट्स के थ्रू शो किया गया है, किस पे, ऑन द अबेकस। तो जरा मुझे बताइए ये सारे अबेकस देख करके क्या, कितने बच्चे नंबर लिख ले जाएंगे, पहला क्वेश्चन कितने बच्चे कर ले जाएंगे, ये छे की छे हैंड रेज करके मुझे बताएं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल, कैन राइट द नंबर ऑफ ऑन, ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, गुड। चलिए तो अभी मैं ये करवा नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर मैं करवा दूंगा तो आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे, है कि नहीं, और मुझे पता है कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन पूछा है, अभी समय मिलेगा तो और भी मैं पूछ लूंगा। आप व्हाट अबाउट इन दिस, व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, ड्रॉ द करेक्ट नंबर ऑफ बीट्स, जो क्या हमें इसमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ मीन्स क्या होता है जरा बताइए, चित्र बनाना, क्या बनाना है, नंबर ऑफ बीट्स, क्या बनाना है, नंबर ऑफ बीट्स, कहाँ पे, ऑन द अवेकस, लिखा है तो 930 के हिसाब से आप यहाँ पे बीट्स ड्रॉ कर ले जाएंगे। यस सर, ले जाएंगे ना आप सब लोग, यस सर, आसान है ना, यस सर, आपको करना है, बहुत आसान है, होमवर्क, 2D इज द होमवर्क, फिलहाल हो सकता है आप लोगों ने पहले किया हो, कितने बच्चों ने ये पूरा किया है, कंप्लीट किया है, जरा हैंड रेज करें, क्योंकि ये तो पहले पढ़ाया जा चुका था ना, नो सर ये नो पढ़ाया, चलिए कोई बात नहीं, तो आज से फिलहाल इसका मतलब नया सिलेबस आपका शुरू हो गया, जो रिविजन का वर्क था वो खत्म हो गया, तो समझ में तो आया है ना कैसे करना है अच्छे से, यस सर, सभी लोग कर ले जाएंगे, यस सर। चलो मैं आप लोग पे प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं इसी तरह आपको अबेकस ड्रॉ करूंगा, आपको नंबर पूछूंगा आपसे, मैं नंबर दूंगा आपको ऐसे, अबेकस पे बीट्स ड्रॉ करने रहेंगे, सभी लोग रेडी हैं? यस सर, आपकी बुक, यस सर, मैं अलग से कराऊंगा, बुक वाला तो होमवर्क है, बुक वाला तो होमवर्क है, ये यहां से मैं शुरू कराता हूँ। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ सम बीट्स एंड लेट मी नो दैट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, मैं जिससे पूछूंगा वन बाय वन, माइक ऑन करके मैं सबसे पूछूंगा, बेटा सभी लोग अपना माइक ऑन करें, माइक अपना बंद कर लें, Everybody have to mute themselves. जिसका नाम मैं लूंगा वो उसी को सिर्फ माइक ऑन करना है, सारे बच्चे अपना माइक बंद कर लें, किसी का माइक ऑन ना हो,
सबसे पहले आदर्श प्रताप सिंह यहाँ पे से शुरू करते हैं, आप अपना माइक ऑन करें, बाकी सारे बच्चे अपना माइक बंद करें। सौरभ सैनी अपना माइक बंद करो बेटा, अभी आपका नाम लेंगे तब आप माइक ऑन करिएगा, बंद कर दिया फिलहाल मैंने, ठीक है। आदर्श प्रताप सिंह, नाउ टेल मी द आंसर, व्हिच नंबर इज बीइंग शोन बाय दिस अबेकस। अबेकस, अच्छा आदर्श प्रताप सिंह जुड़े नहीं हैं, जुड़े थे डिस्कनेक्ट हो गए ड्यू टू द नेटवर्क इशू। आदर्श यादव अरजानीपुर, आप बताइए कौन सा नंबर ये अबेकस शो कर रहा है, माइक ऑन करो पहले। यस सर, बताइए कौन सा नंबर शो कर रहा है ये अबेकस। 2G सर, 21। 21, अच्छा 21 कैसे लिखा जाता है, 21 कैसे लिखा जाता है सर, अनंत कुमार बताए। 21 ऐसे लिखा जाता है, ये तो गलत है, 21 ऐसे ही तो लिखते हो, यही नंबर शो कर रहा है। नहीं गलत है, गलत है, अब आप शांत रहिए, दूसरे बच्चे से मैं पूछूंगा। सर नहीं आई थे, आनंद बताइए सर। 3 ये बता रहे हैं, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है, इनको भी नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको भी नहीं आता, आपका भी गलत है, आपका भी गलत है, अब ध्यान से नहीं समझेंगे, इधर उधर देखेंगे तो ऐसे ही होगा। आदर्श गुप्ता, हेमंत कुमार आप बताइए, हेमंत, हेमंत के बाद हेमंत आप बताइए। फिर से बताओ बेटा, अरे आराम से बैठ के बताओ, तुम्हारी आवाज बीच में कट जाती है, फिर से बोलिए। 201 201 क्या हो जाएगा, वो मुझे नंबर बताओ। 201 बिल्कुल सही, 201 इज द करेक्ट आंसर। आनंद कुमार और कौन नहीं बता पाया था अभी, सर आदर्श यादव। आदर्श यादव, हाँ दोनों लोग जरा ध्यान से ध्यान दीजिए बेटा, आदर्श यादव को भी लाइन लाइन मतलब सामने लाने दीजिए, फिर देखो क्या करते रहते हैं, क्यों नहीं है, ध्यान नहीं देंगे तो फिर नहीं बता पाएंगे। दोनों बच्चे ध्यान से देखिए, आपको पता ना ये कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस वाला है, 100 प्लेस का स्पाइक है तीसरा, सबसे पहले वंस, टेंस, फिर 100। अब वंस वाले प्लेस में कितने बीट्स हैं, 1 है तो यहाँ पे लिखोगे 1। टेंस वाले प्लेस में कितने बीट्स हैं, कोई बीट्स नहीं है, 0। 100 प्लेस में कितने बीट्स हैं, 1 2 2 बीट्स हैं, तो यहाँ पे लिखोगे 2। अब ये जरा ऐसे पढ़ो, अगर 201 एक साथ आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 या 3 क्या होगा ये सर, 201। तो कोई 3 बोल रहा है, कोई 21 बोल रहा है, यही सब पढ़ेंगे, समझ में आया। आनंद कुमार, आदर्श यादव, दोनों माइक ऑन करें, आप दोनों बताइए आप कर ले जाएंगे। यस सर, चलिए ठीक है, हमको समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप सर हमको भी आ गया, अपना माइक अब आप सर हमको भी अपना माइक आप दोनों बंद कर लीजिए। अब बाकी सारे बच्चों से जब मैं पूछ लूंगा तभी आप लोग से पूछूंगा, तब तक आप लोग शांति बनाए रखिएगा, बीच में नहीं की सर मैं सारे बच्चों से पूछूंगा, तब उसके बाद अब हेमंत, आदर्श यादव या इनकी बारी आएगी। विशेष, यस सर, माइक ऑन करें, बाकी यस सर, बाकी बच्चे माइक बंद रखें। विशेष जरा इसको बताइए बेटा, ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, कोई दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा, सर 302, जरा मुझे बताइए 302 कैसे लिखा जाएगा, 302 जरा मुझे डिजिट में बताइए कैसे लिखा जाएगा, मैं 1 लिखूं या 2 लिखूं, पहले क्या लिखूं। विशेष, यस सर, क्या लिखूं, 302 लिखा कैसे जाता है ये मुझे बताइए सर। 302 302 ऐसे लिखा जाता ना, 302, यस सर, तो क्या ये 302 को शो कर रहा है, नो सर,
गलत किसको शो कर रहा है बताइए। सर आनंद कुमार को समझ में आ गया। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आनंद कुमार, अभी आप शांत रहिएगा, अब सारे बच्चों से पूछने के बाद आपके पास आऊंगा। अभी अपना माइक बंद करो, बीच में ऑन नहीं करना है। अभी आप ध्यान से समझिए, अभी मैंने आपसे पूछा था विशेष, आप बताइए ये कौन से नंबर को शो कर रहा है, जरा इसको बताइए। जब बेटा पढ़ाते समय कॉपी में छापोगे ना तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या से बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, लिखने क्या लिख क्या रहे हो, अभी इसको तुरंत ही कंप्लीट कर लेना चाह रहे हो, पढ़ाया जाए तो समझा करो, अभी मैंने आनंद को बताया है। जरा ये बताइए, जरा ये बताइए, ये तो गलत है पहली बात। ये वंस वाले स्पाइक्स में, वंस वाले स्पाइक्स में कितने बीट्स हैं सर? थ्री। थ्री। टेंस वाले स्पाइक्स में सर वन। हंड्रेड वाले स्पाइक्स में सर टू। ये कितना लिखा है सर? टू वन थ्री। क्या ये इसको 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 नंबर को पढ़िए, ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है जरा पढ़िए, नंबर ही नहीं पढ़ना। 213। फिर से पढ़िए सर। 213। तो 213 नहीं बोल पा रहे थे, ये 213 ही तो शो हो रहा है। अभी लिखना बंद कर दीजिए, जब तक पढ़ाया जाए तब तक ध्यान से सुना करिए, इधर उधर मत देखा करिए, ठीक है? अब की बार अभी फिर मैं आपसे पूछूंगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट 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 आदर्श गुप्ता आपकी बारी, माइक ऑन करें। देखता हूं आदर्श गुप्ता बता पाते हैं नहीं। बेटा इसी अवेकस को बताइए कितना लिखा है आदर्श गुप्ता, ये कौन से नंबर को शो किया? 300। बिल्कुल सही, मुझे लगा था कि तुम शायद 3 बोलोगे, लेकिन 300 बिल्कुल सही, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? वंस स्पाइक में 10, स्पाइक 1000 प्लस कर है, 100 स्पाइक में 3, तो ये क्या हो गया 300, बिल्कुल सही करेक्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अमित वर्मा आपकी बारी, माइक ऑन करिए, बाकी बच्चे माइक बंद करें। यस सर। अमित वर्मा आप बताइए ये अवेकस कौन से नंबर को शो कर रहा है? सर 21। 21, बहुत अच्छे। कैसे पता चला? मंथ्स में 1, टेंस में 2, 100 में 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं बिना नेचुरल नंबर के अगर पहले आता है, तो ये कितना लिखा है? सिर्फ 21 लिखा है, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड अमित। अभी लगभग सारे बच्चे कर ले जाएंगे, जिन बच्चों को लेकर डाउट था फिर भी समझते हैं, बारी बारी से सबसे पूछते हैं। देवेश तिवारी माइक ऑन करो। यस सर। जरा इसको बताइए बेटा, देवेश तिवारी आप बताइए कितना लिखा है, कौन से नंबर को शो कर रहा है, जल्दी से बताइए। सर 321। 321। आदर्श प्रताप सिंह अब आपकी बारी। आदर्श प्रताप सिंह कहाँ, तुम भी कुछ लिख रहे हो लग रहा है, पढ़ाई करते समय बेटा ध्यान दिया करो। क्या हुआ? होमवर्क आपको क्लासवर्क के बात करना है, होमवर्क आपको क्लासवर्क के बात करना है। जरा ये बताइए कौन सा नंबर को शो कर रहा है? आदर्श प्रताप सिंह आप बताइए कौन सा नंबर शो कर रहा है? 5। ओनली 5, बिल्कुल सही, ये 5 है लेकिन इधर 0 है, तो बिना नेचुरल नंबर के अगर 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ओनली दिस 5 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट में आयुष गुप्ता अपना माइक ऑन करो बेटा, आयुष गुप्ता। चलो आप कनेक्ट हो गए हैं, अच्छी बात है। आयुष गुप्ता माइक ऑन करिए तुरंत बेटा, आप सेशन क्लोज होने वाला है। आयुष गुप्ता क्यों नहीं माइक ऑन कर रहे हो?
ये देखो इतना देर से मैं बोल रहा हूँ, ये बच्चा देख रहा है केवल, घर के अगल बगल भी वाले भी नहीं बगल में बैठे, इसका मतलब तो नहीं। अगर बच्चा ऑन करेगा माइक तो हम क्या कर लेंगे? आयुष माइक ऑन करो बेटा। मैं सर ऑन किए। जरा ये मुझे बताओ ये कौन से नंबर को शो कर रहा है, जल्दी से बताइए। आप तो पूरी क्लास को लिए भी नहीं अभी, लेट से जुड़े हैं, बता पाते हैं कि नहीं? आयुष गुप्ता अभी तक नहीं बता पा रहे हैं, आयुष गुप्ता नहीं बता पा रहे हैं। सौरभ सैनी आप बताइए। सौरभ क्या बेटा? 100।